नमस्कार, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। लोकसभा चुनाव 2019 के 6 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ एक चरण का मतदान बाकी है, वो 19 मई को होना है। 23 मई को नतीजे आने के, किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या नरेंद्र मोदी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या राहुल गांधी देश के पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या कोई और अन्य पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बनेगा? तो मैं आज आपके लिए एक सर्वे, एक आंकड़े लेकर आया हूँ। मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई थी द लाइव टीवी के, पूरे देश का सर्वे किया था, जो जमीनी स्तर पर जो सर्वे किया था द लाइव टीवी ने, वो आपके सामने मैंने रखा था अभी हाल ही में कुछ दिन पहले। तो उस सर्वे से मैंने आंकड़े निकाले तो कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज्यादा करीब थी, सिर्फ 42 सीटें दूर थी बहुमत से, जो उसे 230 सीटें मिल रही थी द लाइव टीवी के सर्वे में। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 145 सीटें मिल रही थी। वहीं अदर जैसे बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, टीएमसी और भी जो छोटी छोटी पार्टियां, उन्हें 168 सीटें मिल रही थी द लाइव टीवी के सर्वे में। ये द लाइव टीवी का सर्वे जो मैंने आपको बताया, और ये कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, तो ये बहुत ही ताजा सर्वे हो। ये जमीनी स्तर पर जाकर पूरे देश में जमीनी स्तर पर इस सर्वे में राय पूछी गई थी, और ये बड़े बड़े न्यूज चैनलों की तरह ये सर्वे नहीं किया गया था। तो मैं ये एक जमीनी सभी वर्ग के लोगों से राय पूछी गई थी, किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, इस सर्वे में सबसे राय पूछी गई थी। तो सर्वे में ये निकल कर आया था कि कांग्रेस पार्टी को 230 सीटें मिल सकती हैं, सिर्फ 42 सीटें दूर थी बहुमत से। वहीं भारतीय जनता पार्टी 145 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस, वहीं अदर पार्टी जो है छोटी छोटी पार्टियों जैसे बीएसपी, आरएलडी और उद्योग गठबंधन है, उसे 168 सीटें मिल रही थी उस द लाइव टीवी। तो अब ये आंकड़े जो मैं लेकर आया हूँ, वो आंकड़े ये हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 42 सीटें दूर है, वो सरकार कैसे बना सकती है लोकसभा इलेक्शन 2019 में, कि कौन उसको समर्थन कर सकता है तो उसकी सरकार बन सकती है, राहुल गांधी फिर उस प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आंकड़े बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक कर दिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक कर दिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2014 की। 2014 में एनडीए 336 सीटें जीता था, वहीं यूपीए सिर्फ 60 सीटों पे ही रह गया था, वहीं अदर पार्टी जो है उन्हें 147 सीटें मिली थी। तो अब मैं आंकड़े ये लेकर आया हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की जैसे द लाइव टीवी के सर्वे में निकल कर आया कि 230 सीटें मिल सकती, सिर्फ 42 सीट दूर है, अगर इसे टीएमसी को मिल रही थी, अदर जो पार्टी थी टीएमसी को 129 सीटें मिल रही थी पश्चिम बंगाल में, वहीं बीएसपी, बीएस समाजवादी पार्टी और आरएलडी को 55 सीटें मिली थी। अगर टीएमसी और ये जो उत्तर प्रदेश का तो गठबंधन है, इसे कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे देता है लोकसभा इलेक्शन 2019 में, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। टोटल सीटें हो जाती हैं जब 314, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है 272, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी ये पूरा यूपीए बन जाएगा, और ये गठबंधन टीएमसी और ये जो गठबंधन है, अगर ये कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे देता है लोकसभा इलेक्शन 2019 के 23 मई के बाद, तो ये सरकार बन सकती है कांग्रेस पार्टी की। मैं बता दूं, ये आंकड़े हैं सिर्फ, अगर ये द लाइव टीवी के जमीनी स्तर पे पूछा गया था ये सर्वे, तो ये द लाइव टीवी के सर्वे में निकल कर आया था कि 230 सीटें मिल सकती हैं, अगर टीएमसी और जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश का वो समर्थन दे देता है कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी की टोटल सीटें 314 सीटें हो जाती हैं और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं लोकसभा इलेक्शन 2019 में किसकी बन सकती है सरकार और कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक कर दिए, क्योंकि मैं वहां पर भी अच्छी अच्छी वीडियो, ब्रेकिंग न्यूज डालता रहता हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।